हमने कल आपको सेल्स वाली एंट्री समझाई थी, तो सेल्स वाली सबसे पहले एंट्री कौन बताएगा? खड़े हो जाओ वाले, आप बताओ। माल बेचा बाय कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अजय को माल बेचा बाय अजय अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। मोहन को माल बेचा, भुगतान में चेक मिला बाय मोहन अकाउंट। मोहन को माल बेचा, भुगतान में चेक मिला बाय चेक इन हैंड अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। विजय को माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक में जमा करा दिया बाय बैंक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। श्याम को नगद माल बेचा बाय कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और कौन बताएगा? आप लोग बताएगा बच्चों एंट्री, आप बताओगे? आप बताओ। माल बेचा बाय परचेस अकाउंट टू सेल्स। नहीं नहीं, माल बेचा पूछा। माल बेचा बाय कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अजय को माल बेचा बाय अजय अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। विजय को माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक में जमा करा दिया बाय बैंक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। मोहन को माल बेचा, भुगतान में चेक मिला बाय चेक इन हैंड अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड, दोनों बच्चों को सही है, ताली बजा दो आप लोग। नेक्स्ट कौन बताएगा? और कोई है जिसको एंट्री ठीक तरीके से आ गई हूँ? आप बताओ बच्ची। अजय को माल बेचा बाय कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। मोहन को माल बेचा, भुगतान में चेक मिला और चेक को बैंक में जमा करा दिया बाय बैंक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। विजय को माल बेचा और भुगतान में चेक मिला बाय चेक इन हैंड अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। श्याम को नगद माल बेचा बाय कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड, ये भी सही है बच्चों, ताली बजा दो आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट किसी को आए एंट्री बताओ, और कौन बताएगा जिसको सेल्स एंट्री समझ में आ गया? ठीक है, बाकी आप मेहनत करना, वीडियो देख लेना, आपको आ जाएगा जिनको नहीं आया। आज अपन एक्सपेंसेस की एंट्री करना सीखेंगे। अपन सीख रहे हैं एक्सपेंसेस की एंट्री। एक्सपेंसेस मतलब खर्च। अब जैसे कि कोई भी बिजनेस जहाँ भी आप जॉब करेंगे, एजेंसी, मॉल, फैक्ट्री, कंपनी, कुछ भी हो, वहाँ कुछ खर्चे। अब जो खर्च एक्सपेंसेस हैं, सभी की एंट्री आपको कैसे करना है ये बना सीख रहे हैं। तो ध्यान से आप देखेंगे तो आपको आज खर्च की एंट्री करना आ जाएगा। जैसे कमीशन दिया, कमीशन क्यों देते हैं? अपने बिजनेस में बिक्री को बढ़ाने के लिए कमीशन देते हैं, ताकि जो एजेंट होते हैं वो ग्राहक तक सामान के बारे में जानकारी पहुँचा सकें और ग्राहक उसको आकर ले सकें। जब तक ग्राहक को किसी सामान का पता रहेगा नहीं, वो उसको कैसे देंगे? तो कमीशन देना भी होती है। तो एंट्री क्या होगी? जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी खर्च हैं, जितने भी लॉस हैं, सबको बाय करना है। जैसे किराया दिया, कमीशन दिया, कुछ भी दिया, सबको बाय कर देना है। बाकी तुम्हें क्या लगेंगे, वो एक्सपेंसेस कैसे किया, किस माध्यम से किया? यदि कैश भुगतान किया है तो मैं कैश लिख देना, चेक द्वारा किया है तो बैंक लिख देना, और जैसे कोई भी सामान दे दिया उसके बदले में, जैसे कमीशन बदले में माल दे दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा परचेज। हमने बताया था टू में परचेज तब आएगा जब माल बिना बेचे कम हो जाएगा। अगर हमने कमीशन के बदले में दे दिया माल, तो वो बिना बेचे कम होंगे, तो वो लिख देंगे परचेज। कोई संपत्ति दे दी, उसका नाम लेते हैं, जैसे बाय कमीशन अकाउंट टू लैपटॉप अकाउंट, लैपटॉप दे दी, कंप्यूटर दे दी, कंप्यूटर अकाउंट, कुछ भी दे सकते हैं। तो कमीशन में जो दे रहे हैं वो टू में लिख देना, कैश दे रहे हैं तो कैश, चेक दे रहे हैं तो बैंक, फोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं तब भी बैंक, और कोई सामान दे रहा है उसका नाम, और माल दे रहे हैं तो परचेस। माल क्या होता है? जिस वस्तु का व्यापार में क्रय विक्रय किया जाता है, जिस वस्तु का व्यापार में लाभ कमाने उद्देश्य से क्रय विक्रय किया जाता है वो माल होता है, उसके लिए भी आप यहाँ पर परचेस। आप कमीशन एंड इसके लिए हो गया, कमीशन क्या होगा? बाय कमीशन अकाउंट टू कैसे करो, ये होगा। नेक्स्ट, जैसे कमीशन चेक द्वारा दे दी तो यहाँ पर देखो बैंक हो जाएगा, तो बाय कमीशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट देखेंगे सर, अब सैलरी ये भी देना पड़ती है सभी जगह, वेतन हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में सैलरी। तो सैलरी बाय में लिखेंगे आप, खर्च का नाम है, सारे खर्चों को बाय लिखना है और टू
में नगद दे रहे हैं तो कैश, फोन पे गूगल पे नेट बैंकिंग द्वारा दे रहे हैं तो बैंक चेक द्वारा दे रहे हैं तो फिर नेक्स्ट कैरीज आउटवर्ड ये होता है जावा कार्ड का। पहले हमारी फैक्ट्री के अंदर कच्चा माल आता है मशीनों के द्वारा माल तैयार किया जाता है, माल बनने के बाद उसको पैकिंग करने के पश्चात गोडाउन में भेजा जाता है। जब गोडाउन में भेजते हैं फैक्ट्री से माल को तब गाड़ी भाड़ा देना पड़ता है, उसको बोलते हैं जावा गाड़ी भाड़ा, क्योंकि फैक्ट्री से सामान जाता जब आता है जावा गाड़ी भाड़ा जाता है जावा गाड़ी भाड़ा, इसे बोलते हैं कैरी आउटवर्ड। ये भी खर्च है बाय बनाएगा लेकिन बाय कैरी आउटवर्ड कैसे दिया है, कैसे दिया है तुमने कैसे दिया चेक कर दिया थैंक यू ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करना है जितने भी खर्च हैं सभी का क्या करेंगे बाय आप बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन करना पड़ेगा ताकि लोगों तक अपन जो वस्तु पर मिलाई उसके बारे में जानकारी पहुंचे सब उसे यूज करेंगे। तो लेकिन ये बाय में एडवर्टाइजमेंट अकाउंट कैसे अगर कैश दे रहे हैं ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं तो मैं चेक का देना तब भी नहीं। नेक्स्ट बिजली का बिल, अब ये दो तरह से होता है बिजली का बिल, एक हमने कहीं ऑफिस खोला हुआ है माल की बिक्री बढ़ाने के लिए तो ऑफिस का बिजली का बिल होता है और एक होता है फैक्ट्री का बिजली का, तो कुछ भी हो सकता है आप यहाँ पर लिख देंगे फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल ओनली, ये लिखा है मतलब ये ऑफिस का माल लेंगे आप, जब फैक्ट्री वाला माल लिखेगा ना फैक्ट्री एंट्री कैसे होना है तुम्हें नगद दिया है तो कैश चेक करा दिया है तो बैंक ये एंट्री। अब अंतर क्या है, अंतर आपका लेजर बनाएंगे जब अपन सीखेंगे आगे क्लास में लेजर बनाना, तो लेजर में क्या होगा जो बिल जो दिया है यदि ये ऑफिस का बिल है तब आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और यदि ये फैक्ट्री का बिल है तब आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये अंतर आएगा लेजर बना। यहाँ पर तो एंट्री सेम होगी लेजर में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट टेलीफोन बिल, तो ये भी खर्च है टेलीफोन बिल अकाउंट तो बाय करेंगे तुम्हें कैसे दिया है ऑनलाइन दे दिया है तब बैंक नगद दिया है चेक द्वारा दिया है तब भी। अब सैंपल क्या होता है आप देखते हैं कि जब भी आप कभी कहीं पर जाते होंगे किसी दुकान पर आपको ऐसी कोई चीज लेना है जो कि थोड़ी चेक करने सैंपल ली जा सकती है तब आप उसे सैंपल ले लेते हैं। तो सैंपल में जो भी सामान जाता है बिना बेचे ही कम हो जाता है फिर टू में क्या जाएगा पंच से जाएगा, यहाँ टू में कभी कैश मत लिखना क्योंकि सैंपल में कैश कोई भी नहीं देता। हम जब याद बोलेंगे ना पूछेंगे बताओ सैंपल दिया 2000 रुपए का आप लिख देंगे बाय सैंपल अकाउंट पंच से देखो ऐसा मत बोलना बाय सैंपल अकाउंट कैसे गलत हो जाएगा। तो सैंपल हमेशा माल दिया जाता है हमें क्योंकि माल की बिक्री को बढ़ाना है इसलिए माल दिया जाता है। तो नीचे देखो लिखा हुआ है सैंपल में सैंपल कभी भी कैश नहीं देते ठीक है इस तरह। तो याद याद रखना सैंपल को। नेक्स्ट दान, दान दो तरह से होता है एक होता है चैरिटी एक होता है डोनेशन। तो चैरिटी वो होता है जो किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए नहीं दिया है सामान्य रूप में ऐसे ही दे दिया उसके पीछे उद्देश्य नहीं है होता है चैरिटी। डोनेशन क्या होता है, डोनेशन वो होता है जो किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिया गया। डोनेशन की राशि थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि विशेष काम में दिया जा रहा है स्कूल खोलने दे दिया मंदिर बनाने दे दिया तो विशेष काम में दिया वो डोनेशन हो जाएगा। और टू में क्या आएगा कैसे दिया है, कैसे दिया है तो कैश और बैंक में अगर बैलेंस होगा तो फिर चेक देंगे तो बैंक आएगा फोन पे गूगल पे नेट बैंकिंग ऑनलाइन तब भी बैंक आएगा कैसे कैसे बारे में खर्च करा। नेक्स्ट मजदूरी, मजदूरों को मजदूरी देना पड़ता है वेजेस बोलते हैं मजदूरी को बोलते हैं वेजेस खर्च है इसलिए बाय करें तो बाय में लेकिन वेजेस अकाउंट और टू में मजदूरी कैसे दी कैसे दी है कैसे दी। आप जैसे कभी किसी का नाम बोलेंगे आपसे जैसे मोहन को सैलरी दी विजय को सैलरी दी
यहाँ पर नाम लिखा है राधा उस सैलरी की, तो बाय में राधा सैलरी को, अजय उस सैलरी की बाय अजय सैलरी को, विजय की बाय विजय सैलरी को, मतलब नाम के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा दे, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे सैलरी लिखेंगे और यहाँ पे टू में लिख देंगे आप कैसे नकल किया है ठीक है, उधार दिया है तो फिर सॉरी उधार नहीं चेक कर दिया है तू तो बाय में नाम लिखकर लिख देना सैलरी और टू में कैसे दी वो लिख देना कैसे दिया तो कैसे चेक किया है ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं और भी है तो आप समझ लेना, आपके सामने जितने भी व्यवहार आएंगे बिजनेस में उनको सुनने में अगर आपको ऐसा लगता है कि खर्च है हानि है तो आप उसे बाय करते हैं, जैसे माल चोरी चला गया बाय लॉस बाय ठीक का काम टू परचेज अकाउंट, माल गिरा गल गई जलकर कूदा नष्ट हो गया बाय लॉस बाय फायर अकाउंट, रोकड़ गिरे रोकड़ चुराए आपको लापता है बाय लॉस बाय ठीक का काम टू कैसे काम, किराया दे दिया बाय रेंट अकाउंट टू कैसे काम, कई तरह के एक्सपेंस आप सामने आएंगे कई तरह के लॉस आएंगे, तो जो भी आया सामने अगर सुनने में लगता है कि कोई खर्च हो रहा है लॉस हो रहा है फौरन से बाहर निकल और तुम्हें उस लॉस में क्या जा रहा है, जैसे फर्नीचर मांगा कोई तो बाय में क्या लिखेंगे बाय लॉस बाय फायर अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट, तो बाय में तो लिखेंगे हानि का नाम, जैसे आग लग गई है फर्नीचर हानि का नाम क्या है यहाँ पर अग्नि हानि हुई है लॉस बाय फायर लेकिन बाय लॉस बाय फायर टू में किसमें आग लगी क्या हमारा नुकसान हो गया क्या लॉस हो गया फर्नीचर फर्नीचर ठीक है इस तरह से जिसमें आग लग गया चोरी होगा क्या अगर चोरी करें तब क्या होगा कोई चोर चोरी कर लेगा तो बार बार ठीक से कम चोर चोरी करे रोग कड़िया जैसी है चोरी करे या कोई और चोर चोरी जो भी चोर चोरी करना है जो भी करे तो बार में आएगा लॉस बात ठीक है ये मतलब नहीं है किसने चोरी की चोरी तो चोरी वो तो लॉस बाय ठीक किया है चोरी से हानि तो की क्या सर इसका पता बोले वो नीचे नरेशन में अलग से हम बताएंगे नरेशन की जगह दी रहती है उसमें तो नाम पता लग गया है अगर आपके पास कैमरे हैं तो आप उसमें देख लेंगे और नाम पता लग जाएगा फिर आप नाम लिख लें तो जो भी किसी ने चोरी की हो बाय में तो आप लिखेंगे लॉस बाय थी तुम्हें क्या लगेंगे चोरी में क्या चला गया है कोई संपत्ति अगर चोरी हुई है तो तुम्हें लिखेंगे उस संपत्ति का नाम यदि माल हुआ है चोरी तुम्हें लिखेंगे परचेज ये कर लेंगे कुल मिलाकर हाँ क्या हाँ दोनों लिखो जैसे माल चोरी हो गया कैश चोरी हो गया कुछ चोर आए तो ज्यादा मात्रा में तो जितना कैसा आप भी लेंगे जितना भी सामान रखा हुआ था बैटरी भी लेके आए वो सब भी ले गए और जो संपत्तियां थी फर्नीचर कुछ मशीन थी कंप्यूटर लैपटॉप सब ले गए अब वो बड़ा मान लेगा है ट्रक में लेगा है सब भरने के रास्ते आप क्या हो गए अब आएगा बाय लॉस बाय ठीक अकाउंट टू कैश अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू लैपटॉप अकाउंट टू प्रोजेक्टर अकाउंट टू कंप्यूटर अकाउंट टू परचेज अकाउंट जो जो ले गए सब आएगा तुम्हें याद आएगा सारा सब पूरे जोड़ लेना जोड़कर और ऊपर लिख देना बस बात की कितना बड़ा ठीक है जो जो लगेगा सब करना पड़ेगा अगर इतना बड़ा सामान ले तो बाद मान ले भाई तब तक लेके जाना मेरे ज्यादातर जो गैस से याद है कैसे कम से कम बन जाता है क्या बोल अगर वो बोल की सो हो नहीं सर घर में अंदर ले जाता है अरे घर की एंट्री कर रहा है हम तो फैक्ट्री कंपनी दुकान में से लेकर फिर दुकान में कौन कौन लगेगा हम तो मार्केटिंग कर रहे हैं हम तो किसी एजेंसी मॉल फैक्ट्री कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहां पर एंट्री करना समझ रहे हैं घर पर आप किसी के घर पर जाकर ये जॉब पहले सीखकर नहीं करेंगे ये पहले सीखकर आप जॉब करेंगे किसी एजेंसी मॉल फैक्ट्री कंपनी में आप सोचते घर जाकर जॉब करेंगे तो घर के साथ पड़ेंगे घर में कितना राशन का सामान आ गया कितना खर्च कर दिया आप चाहे तो कर सकते हैं पर आप वो सैलरी दे रहे हैं
स्टॉप कर दूँ।